रोहतक लोकसभा में किसकी लहर? जी रोहतक तो पूरा देश के हित में है और रोहतक लोकसभा ने पूरा ये ठान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला के मानेगी। बीजेपी को ही क्यों चुनना चाहते हैं दोबारा? क्यों बीजेपी काम करिए, कांग्रेस ने क्या काम करा था बताओ? मैं बताता हूँ, केएमपी है, पिछले 10 साल से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा था कांग्रेस के टाइम में। जब से बीजेपी आई है ये केएमपी भी स्टार्ट हो गया है और लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा की परेशानी होती थी कांग्रेस के टाइम में। जब से स्टार्ट हुआ है लोगों को दिल्ली आने की जाने की जरूरत नहीं, यूपी जाना है तो सीधा इससे चला जाता है। कांग्रेस के टाइम में ऐसे ही पड़ा था और कांग्रेस की टाइम सरकार आएगी जो काम चल रहे हैं ना वे भी रुक जाएंगे। कांग्रेस की तो ये सोच है, काम ही नहीं करने देती कांग्रेस। यहाँ से जो रोहतक लोकसभा से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं उनको 1,00,000+ वोटों से जिताकर रोहतक लोकसभा से हम भेजने का काम करेंगे जी। आप कह रहे हैं 1,00,000 वोटों से जिताएंगे अरविंद शर्मा? 1,00,000+ से जी, 1,00,000+ वोटों से जिताएंगे। लेकिन यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि संभावित उम्मीदवार आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं अरविंद शर्मा को? वो तो जी आप अभी थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा, वो तो नॉमिनेशन करने भी नहीं आएंगे, वो तो कोई उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं कि भाई हारने से हम बच जाएं। हारने से बचने के लिए वो किसी ऐसे चेहरे को ढूंढ रहे हैं जिनको वो आगे खड़ा कर सके। लेकिन कहा जाता है दीपेंद्र हुड्डा और गांधी परिवार का एक आपसी बहुत ज्यादा अच्छा तालमेल है। हाँ जी बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि बड़े स्तर पे पप्पू राहुल गांधी है और छोटे स्तर पे हमारे यहाँ दीपेंद्र हुड्डा है। आप क्या कह रहे हो दीपेंद्र हुड्डा को? छोटा पप्पू। आप छोटा पप्पू कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और उसका फादर साहब हैं, उनकी सरकार यहाँ पे हरियाणा के अंदर है और बड़े स्तर पे उसकी माँ और बेटे की सरकार है, जबकि ऐसा नहीं होगा आपकी बार। ये हरियाणा में आपकी बार डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद जो पहले भी रह चुके हैं, पिछली बार से बहुत ज्यादा वोटों से हम जिता के भेजने का काम करेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को। और वो एक बहुत ही अच्छी छवि के नेता है और सबका काम, चाहे आधी रात को भी कॉल करते हैं तो वो फोन अटेंड करते हैं और हर इंसान के साथ खड़े हैं, चाहे कोई हमारी पार्टी का हो और चाहे कोई पार्टी का ना हो, जो हमें सुनने में आता है हमेशा वो लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। विकास कार्य तो देखो जी धरातल पर दिखाई देता है, कोई भी चीज किसी के कहने और ना कहने से कोई विकास नहीं होता। विकास तो तब होता है जब कोई काम धरातल पे दिखाई दे। अब काम आपको अब भी ये रोड ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये धरातल पे जो काम होगा वो सबको दिखाई देगा। तो और पब्लिक की मर्जी है वो किसे चुनती किसे नहीं चुनती, वो उनका खुद का। रोहतक लोकसभा में बात की जाए, इससे पहले कांग्रेस कई प्लान तक रही, कांग्रेस ने क्या दिया रोहतक वालों को? कांग्रेस ने जी काफी कुछ दिया है। कांग्रेस ने जो पार्षद मतलब कुछ भी नहीं थे उनको करोड़ों की संपत्तियां दी है, जो एमएलए कुछ नहीं थे उनको अरबों की संपत्तियां दी है, बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने। अरविंद शर्मा ने 5 सालों में क्या दिया? अरविंद शर्मा जी ने समाज के साथ मिलकर काम किया, हर व्यक्ति को समय दिया, अपनी लोकसभा में पूरे तत्पर रहे, आवाज उठाई, सारी चीजें अरविंद शर्मा जी ने बहुत कुछ किया है जी। इस बार क्या मूड है? इस बार पूरा मूड है जी हमारा, जो यूथ का नारा है हम तो सोचेंगे 400 पार ही जाएंगे जी, 400 पार जाएंगे, यूथ ने यही ठाना है जी। फिर एक बार 400 पार उनको रोहतक में वे नहीं मिल रहा चुनाव जो सीट दे, किसी को सीट दे। दीपेंद्र कह रहा मेरे को सीट मिलेगी, कोई कह रहा मेरे को सीट मिलेगी। अरविंद शर्मा के बारे में कहते हैं मिलनसार है, वो जो भी काम होता है जैसे कुछ भी काम होता है कभी किसी का काम मना नहीं करते और जो भेदभाव तो नहीं करते? नहीं जी भेदभाव नहीं करते किसी साथ। 36 बिरादरी की सुनते? 36 बिरादरी के साथ है। हाँ जी बहुत ही अच्छे और दिग्गावर नेता है वो, 36 पार्टी मतलब 36 जाति के लोगों से उनका मिलना जुलना सबसे बहुत ही अच्छा प्यार प्रेम है। और वो सबसे एक मतलब ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण है या कुछ, वो जात पात से बिल्कुल अलग हो गए, सबके लिए समस्त काम करते हैं। भाई ये नहीं है कि भाई कोई हमारा खास है या चाहे किसी ने वोट दिया है चाहे ना दिया है, कोई पार्टी का हो चाहे ना हो, वो सबके लिए खड़े हैं। आधी रात उनको कोई कॉल कर लीजिए किसी भी समस्या के लिए, वो आके पूरा समाधान करने तक अगर उनको आने की जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे उपस्थित भी होते हैं।